नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बिपरजॉय तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका असर गुजरात पर क्या होगा, महाराष्ट्र पर क्या होगा, हर एक तस्वीर हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार यह सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। यह कच्छ के जखौ पोर तक पहुंच सकता है। इस दौरान हालात बेहद खराब हो सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिपरजॉय तूफान की आहट और तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं। 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अभी मांडवी, जामनगर, मोरबी, द्वारका, पिंगलेश्वर, पोरबंदर, जूनागढ़, भुज, मुंबई, गोवा, ये वो इलाके हैं जहां पर बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। शाम 6 से रात 8 बजे तक ये वक्त है जब बिपरजॉय लैंडफॉल करेगा। इसका असर क्या पड़ेगा, प्रशासन सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। एसटीआरएफ, एनडीआरएफ की 29 टीमें किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिपरजॉय पिछले 25 साल में, आपको बता दें कि जून के महीने में इसी तरह से कहर ढाता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बिपरजॉय अपना असर अपना कहर बरपा सकता है। हालांकि अभी जो अपडेट है मौसम विभाग के मुताबिक 130 किलोमीटर की रफ्तार से बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है जखौ पोर्ट तक। जल्दी बिपरजॉय पहुंच सकता है। हम आप तक हर एक खबर हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे। तमाम रिपोर्टर यानी हर इलाके में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। जब ये लैंडफॉल होगा तब किस तरह की परिस्थितियां वहां पे नजर आएंगी। बहरहाल प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। हालांकि आपको बता दें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबकी मदद ली गई है ताकि किसी भी तरह से हालात अगर बिगड़े तो वहां पर जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। तो सरकार प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं। 19 टीमें तैनात हैं, 17 टीम और 2 टीम रिजर्व पर हैं। यानी ये पूरी तैयारी जो है यहां पर एनडीआरएफ की तरफ से की गई है। 14 टीम तैनात मोर्चे पर हैं, 8 टीम, आपको बता दें कि 6 टीम जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। पूहान महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, गुजरात और मुंबई की बात करें, मुंबई में एनडीआरएफ की क्या तैयारी है, 5 टीमें एनडीआरएफ की वहां भी तैनात हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक पर भी इस तूफान का असर होगा तो वहां पर 4 टीमें एनडीआरएफ की मोर्चे पर तैनात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी तमाम टीमें जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है किसी भी तरह के हालात बिगड़े इससे निपटने के लिए। कुल 29 टीमें जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में तैनात की गई हैं। चलिए अब आपको सीधा रुक करते हैं कच्छ का, जहां हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे थे। किस तरह के हालात थे उनकी रिपोर्ट देखिए। तेज बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। चक्रवात बिपरजॉय के टकराने के पहले जहां पर आप देख सकते हैं तेज बारिश जो है अब पूरे इलाके को एक तरह से अपनी चपेट में ले रही है। और सिर्फ तेज बारिश ही नहीं, उसके साथ बहुत तेज हवाएं चल रही है, क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि जब चक्रवात आएगा तो 100 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और वैसा ही कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस समय हम बाड़ी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाएं हैं, इतनी तेज हवाएं के खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिश यही है कि आपको हालात बताएं ताकि आप समझ सके कि किस तरह से चक्रवात जो है वो धीरे धीरे असर दिखाने लगा है। कैमरा विभाग के साथ भूपेंद्र सिंह, कच्छ, न्यूज 24। वहीं आपको बता दें कि बिपरजॉय तूफान की तेजी को भांपते हुए गुजरात के कई गांवों को पहले से ही खाली करवा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, लेकिन खाली घरों और उनमें रखे सामानों पर खतरा अभी भी बना हुआ है। चक्रवात बिपरजॉय की
दहशत किस तरह से है और कैसे उसके खतरे से लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी एक वानगी कच्छ के मांडवी स्थित मोढवा गांव में देखने को मिल रही है। मैं इस समय एक टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ हूं और यहां से पूरा गांव नजर आ रहा है। ये मोढवा बीच के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ गांव है। करीबन 300 के आसपास इस गांव में घर है। एक बंदा आपको इस गांव में दिखाई नहीं देगा क्योंकि सभी लोगों को यहां से प्रशासन ने हटा दिया है, सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। आप जहां देखोगे उसी घर पर आपको सिर्फ ताला लगा हुआ नजर आएगा। हम यहां पर न्यूज 24 की टीम पहुंची है, मकसद सिर्फ इतना है दिखाने का कि किस तरह से बिपरजॉय चक्रवात के मंडराते हुए खतरे से लोगों को बचाया जा रहा है और उसकी दहशत किस तरह से है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, किसी भी वक्त जब चक्रवात टकराएगा तब हालात और ज्यादा भयानक होंगे और उन सब से बचने की ये कोशिश है। गुजरात के समुद्री तटों में तूफान के टकराने से पहले ही लहरों ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। समंदर में ऊंची ऊंची उठ रही लहरें लोगों को डरा रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अभी हालात ऐसे हैं तो तूफान के टकराने के बाद तस्वीरें कितनी भयानक होगी। चक्रवात पहुंच चुका है गुजरात के तटों के करीब और उसका असर भी धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा है। तेज हवाएं और लगातार हो रही बारिश के चलते अब यहाँ का माहौल जो है वो पूरी तरह से खतरनाक होने लगा है। समंदर की लहरें बहुत ज्यादा उफान मार रही है। निचले इलाके जो है पूरी तरह से खाली करा दिए गए हैं। अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया गया है और वहीं पर अगर पुलिस की मैं बात करूँ, पुलिस प्रशासन, सेना की खुफिया, आरोग्य विभाग की टीम वो इस समय तैनात की गई है ताकि पशुओं को भी इस चक्रवात के खतरे से बचाया जा सके। केंद्रीय मंत्री, राज्य रक्षा के मंत्री चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम जगहों पर रुक रुक कर बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और हवा की गति लगातार बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि आज रात 9 बजे के आसपास जब ये चक्रवात टकराएगा तो उस समय हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कैमरा प्रभाग के साथ भूपेंद्र सिंह, कच्छ, न्यूज 24। बिपरजॉय तूफान सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है जो सबसे पहले कच्छ के जखौ पोर्ट पहुंचेगा। ऐसे में गुजरात के 7 जिले ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है, जिसमें कच्छ के साथ साथ देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़ शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश संभावना है लेकिन इसका असर मुंबई और उसके आसपास दिखने लगा है। इस वक्त हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर और यहाँ पर देखिए कि हाई टाइड का वक्त है और किस तरह से समुद्र में 13.5 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। यही कारण है कि लोगों को इस समय समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है और यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि इस समय बारिश रुकी हुई है लेकिन समुद्र में इस समय मछुआरों को या जो फेरी बोट चलती थी उसको जाने की इजाजत नहीं है। पिछले 3 दिनों से किसी भी बोट को जाने की इजाजत नहीं है। लोगों को समुद्री किनारों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अगर कहें तो जो सैलानी हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया पर आए हुए हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सैलानी हैं मुंबई के बाहर से आए हुए हैं और चूँकि गेटवे ऑफ इंडिया इस समय थोड़ा सेफ है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, लहरें ऊंची उठ जरूर रही हैं लेकिन यहाँ पर चूंकि बाढ़ लगा हुआ है तो लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं है। यही कारण है कि सैलानी नज़दीक तक आ रहे हैं लेकिन दूसरे बीच की अगर बात करें जैसे जुहू बीच या अक्सा बीच, उन बीच पर किसी को भी इस समय जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर सैलानियों को जाने की मनाही की गई। इसके अलावा किसी भी बोट को इस समय समुंदर में नहीं जाने दिया जा रहा है लेकिन जो असर है समुद्री किनारों पर वो धीरे धीरे दिखने लगा है और अगर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो इसका असर और ज्यादा दिखेगा। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई। बिपरजॉय पर निगरानी के लिए देश के 7 अलग अलग राज्यों में लगे वार्निंग सिस्टम से निगरानी की जा रही है। ACWC यानी कि एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम और CWC यानी कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से तूफान पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है।
उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। इन तमाम सिस्टम के जरिए देश के अलग अलग 7 राज्यों में ये निगरानी सिस्टम एक्टिव हैं, जिसमें आपको बता दें कि अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर CWC और ACWC के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए, ये वो तमाम राज्य हैं जिन पर CWC और ACWC के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मुंबई, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, यानी देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां बिपरजॉय का असर देखने को मिलेगा वहां पर ये सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कितना असर होगा, कितनी रफ्तार से हवाएं वहां पर टकराएंगी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से शुरू होगा, हालात किस तरह के बनेंगे, इन तमाम चीजों पर, इन 7 जगहों पर CWC और ACWC यानी कि वार्निंग साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। शाम 6 बजे से रात 8 बजे का वक्त है जब ये बिपरजॉय तूफान जो है वो लैंडफॉल होगा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के नवसारी में भी बिपरजॉय तूफान की आहट ने सबको सहमा दिया है। नवसारी के तटीय इलाकों में समंदर की लहरें तूफान की तीव्रता की मुनादी कर रही हैं। गुजरात के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है, इसको लेके जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैदी से नजर रख रहा है। जो बिपरजॉय जो चक्रवात है उसका लैंडिंग सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय क्षेत्र बता रहा है, लेकिन उसका पूरा असर पूरे गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रहा है। पिछले 2 दिनों से काफी तेज हवाएं गुजरात के तटीय क्षेत्र पे चल रही है। हम अभी नवसारी जिले के ऐतिहासिक स्थल डांडी पे है। डांडी का जो ये बीच है वहां पे प्रशासन ने पिछले 3 दिनों से बीच को बंद कर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। समंदर में 2 दिनों से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और बारिश भी पिछले लगातार 2 दिनों से यहाँ पे हो रही है। माना जाए तो जो गुजरात का जो दक्षिणी गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वलसाड, सूरत और नवसारी में समंदर में लहरें उठने और भारी जो तेज हवाएं चलने की आशंका को लेके जो प्रशासन है उसने काफी एहतियात बरती है। तो जो रिहायशी इलाका है जो तटीय क्षेत्र के पास है वहां पे भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जो चक्रवात आने की संभावना को लेके जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस पे नजर जमाए हुए है। जिगर नायक, News 24, नवसारी। वहीं गुजरात के जामनगर में भी बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट है। समुद्री इलाकों को खाली करा लिया गया है और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए बचाव टीमों की तैनाती कर दी गई है। बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है, दस्तक दे रहा है। तब गुजरात के सभी जो जिले हैं, समुद्र तट के जिले हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ गई है। खास करके अगर जामनगर की बात की जाए तो जामनगर आने वाली सभी फ्लाइट जो है अभी बंद की गई है। जो यहाँ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट है वो यहाँ से जा भी नहीं रही है और कोई फ्लाइट आ भी नहीं रही है। साथ साथ आज सुबह से स्टेट ट्रांसपोर्ट की सभी बस है उसको भी रोक दिया गया है और सभी बसों को बस स्टैंड में रख दिया गया है। जगह जगह पर आश्रय स्थान खुल चुके हैं। लोग जो समुद्र तट पर रह रहे हैं उसको भी आश्रय स्थान में रखा गया है। उसके साथ फूड पैकेट भी बनाए जा रहे हैं, ना कि सिर्फ सरकारी कचहरियां बल्कि NGO जो भी है वो भी फूड पैकेट बनाने के काम में जुड़ी हुई है। जगत रावल, News 24, जामनगर। वहीं महाराष्ट्र के पालघर का मशहूर शिरगांव बीच भी बिपरजॉय तूफान के अलर्ट के बाद वीरान पड़ा है। सैलानियों से भरा रहने वाला शिरगांव बीच कल ही पूरी तरह से खाली करा लिया गया और बीच को 3 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए गए। कृष्ण नगरी द्वारिका में भी बिपरजॉय तूफान के अलर्ट से वह अछूता नहीं है। द्वारका के तटीय इलाकों में तूफान को लेकर सजगता बढ़ा दी गई है। 15 जून की तारीख खतरे से खाली नहीं, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था, क्योंकि समुद्र से उठा चक्रवर्ती तूफान का लैंडफॉल होगा, यानी 15 जून को ही वो जमीनी सतह से टकराएगा और इसकी सुगबुगाहट महसूस की जा सकती है। तूफान आने में बस कुछ ही देर का वक्त है और ऐसे में तेज़ हवाएं और आंधियों ने अपना रूप ले लिया है। हालांकि इसका असर 2-3 दिन से दिखाई दे रहा है और ख़ास करके समुद्र किनारे में दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम पालघर के शेरगांव बीच पर मौजूद है और तूफान से आने वाली जो सुगबुगाहट है, तेज़ आंधी है, उसका असर महसूस किया जा सकता है।
समंदर की तस्वीर देखिए, ये वही अरब सागर की तस्वीर है जिसपे चक्रवर्ती तूफान उठा है। दरअसल अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बना था और ये कम दबाव का क्षेत्र ने चक्रवर्ती तूफान का रूप धारण कर लिया है और मौसम विभाग की माने तो गुजरात के तटीय इलाके पर ये टकराएगा। हालांकि गुजरात में इसका खतरा ज़्यादा है लेकिन महाराष्ट्र में भी काफ़ी अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के जितने भी बीचेस हैं, मुंबई, कोंकण, रायगढ़ और जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर लोगों को खासा अपना खुद का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। हालांकि इस कुदरत का आपदा का असर कम हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महाराष्ट्र प्रशासन लगातार केंद्र के संपर्क में है, मौसम विभाग से जो भी इनपुट मिल रही है उसके हिसाब से एडवाइजरी जारी की जा रही है और पैनी नज़र रखी जा रही है इस तूफान पर, उसके मूवमेंट पर। और पिछला जो अनुभव रहा है तूफान का वो कुछ अच्छा नहीं रहा है और उसी अनुभव से सबक लेते हुए महाराष्ट्र प्रशासन अलर्ट पर है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़24 पालघर। बिपरजॉय तूफान द्वारका के समीप आ रहा है और कच्छ की तरफ आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ उसकी असर जो है वो द्वारका के समुद्री तटों पर भी देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ द्वारका के गोमती घाट पर, जहाँ पर के ये विजुअल्स है कि जो समुद्र में जलस्तर बढ़ चुका है, गोमती में काफ़ी सारी लहरें जो है वो उठ रही है, तकरीबन 15 फीट से ज़्यादा की जो लहरें हैं वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने द्वारका के गोमती घाट और समुद्री तटों पर लोगों के जाने की अनुमति नहीं दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही मंदिर प्रशासन ने द्वारका का जगत मंदिर आज एक दिन के लिए बंद का ऐलान कर दिया था और मंदिर भक्तों के लिए बंद है। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी भगवान का जो नित्य क्रम है वो चालू रखेंगे। दूसरी तरफ आर्मी, NDRF और SDRF के जवान, उसकी एक टीम भी द्वारका के अंदर मौजूद है, उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरी तरफ हर्ष संघवी जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर है, वो भी समुद्र जो स्थिति है उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। और फिलहाल द्वारका के गोमती घाट पर जो कि तेज़ हवाएं चल रही है, तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं द्वारका के अंदर देखने को मिल रही है। दिनेश विटलानी, न्यूज़24 के लिए द्वारका से। वहीं बिपरजॉय पर निगरानी के लिए देश के 7 अलग अलग राज्यों में लगे वार्निंग सिस्टम से निगरानी की जा रही है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ACWC यानी कि एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, CWC यानी साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लगे हुए एक्टिव हैं, राजस्थान, गुजरात। इसके अलावा आपको बता दें कि और कौन से वो राज्य हैं जहां पर ये तमाम सिस्टम जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसका असर हालांकि कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा यानी समुद्री तटीय इलाके हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, और साथ में कर्नाटक और केरल के कुछ समुद्री तटीय इलाके और लक्षद्वीप पर भी ये सिस्टम एक्टिव किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परिस्थितियां हो सबसे पहले मौसम विभाग तक पूरी अपडेट इन सिस्टम के जरिए पहुंचे। CWC यानी साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, ये साइक्लोन से पहले ही वार्निंग दे देते हैं हालात किस तरह से हैं, कितनी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इसको लेकर ये तमाम सिस्टम देश के इन 7 राज्यों में एक्टिव कर दिए गए हैं। वक्त जो बताया गया है वो वक्त 6 से रात 8 बजे का है जब ये लैंडफॉल हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि बिपरजॉय पे जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, अभी लैंडफॉल होने में काफी वक्त लगेगा। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर, हर इलाके में, हर राज्य में हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।